हेलो हेलो, आज विधायक जाइए, आप लोग जाइए, आगे जाइए। रामचंद्र जी का भैया का हार्दिक अभिनंदन है। बैठ जाइए। हेलो दुबे जी का महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बड़े भाई जिला अध्यक्ष और सम्मानित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कमलेश जी अलग अलग जगहों में अलग अलग काम कर रहे हैं। झारखंड में भी मांग है सरना की, सुरक्षित करते रहे, लेकिन कुछ जनजातियाँ जो कह रही हैं कि सरना नहीं पर पूरे देश के लिए आदिवासी धर्म को लोग सबको लेके चल रहे हैं। हम लोग झारखंड में भी सबको लेके चल रहा है। हाई कोर्ट जो बनेगा पूरे देश के लिए बनेगा, तो पूरा देश के का भी ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग सरना पब्लिक आदिवासी धर्म कोर्ट की मांग कर रहे हैं और यही अनुशंसा करने जा रहे हैं। सर एक सवाल इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उठाया कि 2013 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उस वक्त के मंत्री ने कह दिया और आप ट्राइबल अनुसूचित जाति आयोग में थे, तब शायद आपने कह दिया था कि ये लागू नहीं हो सकता, उस बात को वो लोग अभी उठा रहे हैं। तो आप कहा था जब देखा, मैं शुरू से गलत बोल रहे हैं, इन लोगों का काम है गलत बोलना। मैं तो 2009 में मंत्री था तो जगह जगह से अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाकर, आदिवासी भाइयों को बुलाकर, बहनों को बुलाकर फिर दो बार मीटिंग किया और सरना कोर्ट की मांग की, आदिवासी धर्म कोर्ट की मांग की। कहाँ से बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाना इनका काम है, कि गलत बोल रहे हैं। मैं सरासर कहीं दिखाएं हमको, मैं चुनौती देता हूँ कि कहीं दिखा दें हमको। मैं शुरू से ही पक्षधर रहा हूँ सरना कोर्ट धर्म कोर्ट की, आदिवासी धर्म कोर्ट की। देखिए देश में जो घटनाएं हो रही अनुसूचित जातियों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जितने घटनाएं घट रही हैं उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज इस तरह की घटना पूरे देश के राजनीतिक मुख्यालय में कर रही है। हम भी यहाँ झारखंड में धरना कर रहे हैं, केंद्र सरकार का धारा चुन करने के लिए मुद्दे बहुत संवेदनशील और न्याय दिलाने के बाद सरकार जब बनती है किसी पार्टी की तो संविधान के अनुसार उनको चलना है और हर तबके के लोगों को न्याय दिलाना है। आज हम पाते हैं कि महिला सुरक्षा की बात को, महिला के साथ न्याय दिलाना, महिला को न्याय दिलाने की बात, दलित आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात, इसमें ये सरकार का रिकॉर्ड जो है अच्छा नहीं। आप देख सकते हैं आदर्शी घटना को, अन्य जगहों में देख सकते हैं सरकार फेल हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी की सरकारें फेल हो रही है और सरकारें भी इस पर ध्यान देना और सरकारों को भी ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ राज्य सरकार सबको ध्यान देना होगा कि राज्य के अंदर महिलाओं की सुरक्षा मिले, घटना हो जाए तुरंत कार्रवाई हो अपराधियों के जुड़े, उसी तरह से दलितों का अत्याचार, आदिवासियों के साथ अत्याचार, उसको भी रोकने की सरकार द्वारा कोशिश हो। नहीं रोवाई अगर किसी कारण से घटना हो जाए तो फिर उसको न्याय दिलाने के लिए कांड दर्ज किए जाए, अनुसंधान बंद किए जाए और फास्ट ट्रैक बना करके न्यायालय में भी न्याय दिलाए जाए द्वारा। किसी के लिए हम लोग आगे बैठे हुए हैं, सरकार का ध्यान खास करके केंद्र सरकार का। हम मानते हैं कि केंद्र में केंद्र का सरकार का ही जिम्मेवारी बनती है, पहली जिम्मेवारी राज्यों की भी बनती है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की।
न्याय दिलाने के लिए, सबके लिए न्याय दिलाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को खास करके आज जगह जगह पढ़ने को मिलता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार के केस, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमारी सरकारों का कई सरकार है, इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए हम आज धरना पर बैठे हैं।